हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अकेडमी चैनल नीट यूजी इन 10 पे। इस चैनल की खासियत यह है कि विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताया जाएगा, इवन न्यूमेरिकल के साथ आपको रिवीजन कंसेप्ट जो भी आपके डाउट है वो सारे क्लियर होंगे। मेरा नाम आदित्य कुमार, मैंने बीटेक किया, मेरे ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑलमोस्ट मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा पढ़ाया, आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया, अब मैं अकेडमी फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अब जो अन अकेडमी का देखते हैं तो यहाँ पे इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है आपको, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके फीचर्स देखते हैं तो डेली लाइव क्लासेस होती है, यहाँ पे डाउट्स कमेंट सेक्शन में जाके डाउट पूछ सकते हैं, टीचर आपका डाउट उसी टाइम इंस्टेंट क्लियर करेंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है, यहाँ पे बच्चों टेस्ट होगा, क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया जाएगा सारी चीज़ें, जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके कंसेप्ट आपको क्लियर किए जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस यहाँ सिलेबस टाइम पे खत्म होगा, लिमिटेड एक्सेस का मतलब कि आपने मान लीजिए सब्सक्रिप्शन लिया तो आप किसी भी टीचर्स की लाइव क्लासेस एक्सेस कर सकते हैं, कोई आपको कोई क्या है फाउंडेशन नहीं है आपके, जो भी मान लीजिए फिजिक्स में 40 टीचर्स तो 40 टीचर्स का आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। हम अब देखते हैं चार्जेस की बात करते हैं, तो देखिए कितना कम चार्जेस है पूरा ओवरऑल। एक मंथ का चार्ज है 5400, 3 का 4500 पर मंथ, और देखिए 12 मंथ्स का 2250, 24 मंथ्स का 1350। यहाँ देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। आपका 12 मंथ्स 24 मंथ्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, और 10% का जो डिस्काउंट है, मेरा रेफरल कोड आदित्य यूज कीजिए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बच्चों कैपलर्स लॉ, अब देखते हैं कैपलर्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैपलर्स साहब ने जो लॉ बताया था, मेनली 3 लॉ बताया था, ठीक है। इसमें पहला लॉ ये बताया था, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, कि ऑल प्लैनेट्स, ये देखिए ध्यान सुनिएगा, ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकी ऑफ द क्लिप्स। ये जो है बच्चों मान लीजिए ये सन है, ये फोकस, ये आपका क्या है फोकी ऑफ ए प्लैनेट, मतलब इसके अराउंड यहाँ पे जितने प्लैनेट मान लीजिए मून, यहाँ पे अर्थ है, तो ये इलिप्टिकल पाथ में इसको फोकस, इसको कवर करते हुए क्या करता है ये मूव करता है, ये क्या करता है मूव करता है, इसको क्या करते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, इसको एक तरह से सेंटर की तरफ ट्रीट करते हैं या फोकस की तरह, और इसके पूरे सराउंड जो इसके राउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में पाथ में इसमें क्या करते हैं सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, इसको सेंटर की तरह ट्रीट करते हुए इसको क्या कहेंगे फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सेकेंड देखते हैं, आगे देखिए लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया में क्या करते हैं, देखिए सन अभी क्या बताया मैंने फोकी मानी है सेंटर, इसके अराउंड सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो ये क्या बोलता है कि जो ये एरिया है, ये ध्यान से देखिएगा, ये जो एरिया है ये इक्वल रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है ये एरिया। आप मान लीजिए यहाँ पे यहाँ आ गए, ये भी एरिया क्या रहेगा कॉन्स्टेंट, इसका ये होता है जो एरियल वेलोसिटी होती है, एरियल वेलोसिटी यहाँ देखिएगा जो वी से ये घूम रहा है, तो ये वेलोसिटी बताइए, तो जब प्लैनेट सन से दूर रहेगा तो स्लो हो जाएगी, जब नज़दीक आएगा तो क्या फास्ट मूव करेगी ना, तो जो एरिया स्विप्स आउट, मतलब कि मान लीजिए अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे इस तरह से एरिया कंसीडर करेंगे, तो ये जो एरिया है बच्चों ये कांस्टेंट रहेगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चलिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है इक्वल इंटरवल, मान लीजिए अपने कोई फिक्स टाइम में आना है तो उस इंटरवल टाइम में एरिया जितना स्विप्स आउट करेगा वो एरिया इक्वल रहेगा। इसको डेरिवेशन से देखते हैं कैसे, देखिए यहाँ पे एरिया डेल हम लेके चल रहे, तो डेल क्या हो जाएगा बताइए, तो इस ट्राइंगल के लिए, हाफ इंटू बताइए, हाफ इंटू क्या आर इंटू बी डेल टी, डेल हमने यहाँ माना है कि इंटरवल है जो प्लैनेट मास एम टाइम इंटरवल कितना, डेल टी इज डेल ए है, बताइए ये ध्यान से देखिएगा, वी डेल टी ये जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों, ये वाला डिस्प्लेसमेंट टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट, चलिए इसको आगे लेके चलते हैं, तो यहाँ से आया आपका डेल ए इक्वल टू हाफ आर इंटू बी डेल टी, है ना, चलिए डेल ए डेल टी को इधर ले आइए, डेल टी इक्वल टू मैंने लिखा क्या हाफ आर बस वी वेक्टर है ना, बताइए तो यहाँ पे क्या होता है लीनियर मोमेंटम एम वी होता है ना, यहाँ से हम बी की जगह क्या लिख सकते हैं आपको डी बाई एम लिख सकते हैं, यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, चलिए हम मैं डेरिवेशन से प्रूफ कर रहा हूँ कि एरिया कांस्टेंट रहता है कि नहीं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया टाइम के इंटरवल में स्विप्स आउट होता है वो कांस्टेंट रहता है कि नहीं, डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा हाफ इंटू आर की जगह क्या रख देंगे बच्चों हाफ बी की जगह पी बाई एम, चलिए द
ये आर क्रॉस पी, ये क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम ही। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या रख देंगे आप, डेल ए बाई डेल टी इक्वल टू हाफ। चलिए मास को बाहर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा क्या आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम होगा, अब ध्यान से देखिए तो एंगुलर मोमेंटम टॉर्क क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी एल बाई डी टी होता है। हमने रोटेशन में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जाके वीडियो देखिए उसको, मैंने रोटेशन बच्चों पूरा कंप्लीट किया है। जो टॉर्क होगा इक्वल टू क्या होगा, डी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क। क्या देखिए तो बच्चों टॉर्क यहाँ पे क्या है, देखिए तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इधर है, फोर्स भी इधर है, टॉर्क यहाँ पे क्या होगा, टॉर्क आर क्रॉस एफ होगा। पी तो जीरो हो जाएगा ना, ये टॉर्क आपका जीरो, क्योंकि फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो क्या है, एंटी पैरेलल है 180 डिग्री, तो ये जीरो हो जाएगा। तो टॉर्क यहाँ जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ टॉर्क जीरो रखने हैं यहाँ पे, तो एल क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट, क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। यहाँ बताइए ये कॉन्स्टेंट मास कॉन्स्टेंट, डेल ए बाई डेल टी क्या आ गया आपका कॉन्स्टेंट। ये प्रूफ हो गया ना, ये प्रूफ हो गया कि आपका जो एरिया स्वीप्स आउट करता है इक्वल इंटरवल टाइम में, जब जो जब प्लैनेट सर्कुलर इलेप्टिकल पाथ में मूव करते हैं तो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में थर्ड लॉ देखेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आप सारी वीडियो देखिए जल्दी जल्दी, रिवीजन मैंने रोटेशन से कवर किया, ग्रेविटेशन कर रहा हूँ अभी। ठीक है, थैंक यू बच्चों।